हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चटपट रसोई। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न कैप्सिकम की सब्ज़ी। कैप्सिकम की सब्ज़ी आपने यूजुअली खाई होगी, जिसे आलू के साथ बनती है, बट उसको थोड़ा खा खा के बोर हो जाते हैं। तो मैंने ये कॉर्न के साथ बनाई है, थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर मिलता है, बच्चों को भी पसंद आती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अलर्ट बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक मीडियम साइज़ का ऑनियन चॉप कर लिया है और इसमें मैंने दो हरी मिर्च काटी हैं, मैंने पीसेस किए हैं, पीसेस में ही डालूँगी। और दो मीडियम साइज़ टोमेटोज को मैंने चॉप कर लिया है। दस से बारह मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं। 100 ग्राम मैंने यहाँ स्वीट कॉर्न लिया है, मैंने फ्रोज़न स्वीट कॉर्न लिया है, आप नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और दो मीडियम साइज़ के कैप्सिकम मैंने ग्रिल कर कर मैंने चॉप किए हैं, नॉर्मल चॉप मत करना इसको, ग्रिल की शेप में। तो यहाँ पे मैं इन सबको, प्याज, टमाटर और काजू को मैं ग्राइंड कर लूँगी और एक थिक ग्रेवी बना लूँगी। हरी मिर्च को भी मैं साथ में ऐड कर दूँगी। तो ये हमने कढ़ाई गर्म होना रख दिया था गैस पे। तो इसमें हम सबसे पहले कैप्सिकम फ्राई कर लेंगे। सब्जी बनाने के लिए हम कैप्सिकम को पहले फ्राई करेंगे और उसके बाद में सब्जी में ऐड करेंगे। इस तरीके से बनाने से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्राइड कैप्सिकम का आपको अलग ही टेस्ट आएगा, तो अच्छा लगेगा सब्जी में। तो कैप्सिकम को यूजुअली फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लगता है, तो इसको आप कंटिन्यूसली छोड़ना नहीं, बीच बीच में चलाते रहना और 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। फ्राई होने के बाद आपको इसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा तो पता चल जाएगा। तो ये अभी अराउंड 7 मिनट्स बाद हमारा कैप्सिकम फ्राई हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है, तो हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब क्योंकि सब्जी फ्राई करनी है तो मैं इसी कढ़ाई में इसको फ्राई कर लूँगी। ऑलरेडी कढ़ाई में ऑयल है, मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लूँगी, ज़्यादा ऑयल में डालना प्रेफर नहीं करती। तो इसमें हम अभी राई डालेंगे और जीरा डालेंगे। तो ये छोटा राई मैं डाल रही हूँ और 1/2 स्पून इसमें जीरा डालेंगे। इसको थोड़ा, जब जीरा थोड़ा भून जाए इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी और 1/4 से थोड़ा सा कम मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। नमक मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, नमक बाद में ऐड करूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला मैं बाद में ऐड करूँगी। सब्ज़ी में ऊपर से डालने में मुझे गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है, सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट आता है। तो जब ये हमारा मसाला फ्राई हो जाए, हम इसमें जो हमने ग्रेवी बनाई थी, मैंने टमाटर, प्याज और काजू और हरी मिर्च को मैंने पीस लिया था, तो हम इसको इसमें डाल देंगे। इसको आप फ्राई कर लें, तो लगभग 3 से 4 मिनट तक आप फ्राई करें तो आपको इसका जैसे थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसका कलर चेंज होगा और ये थोड़ा ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा आपका ये फ्राई हो गया है। तो अराउंड 5 मिनट्स बाद आप देखो तो इसका कलर भी आ गया है और थोड़ा सा फ्राई भी हो गया है। तो अभी मैं इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड करूँगी। मलाई भी एक एडिशनल स्टेप है, आपके लिए कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट आप ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मलाई ऐड करने से सब्ज़ी भी गाढ़ी बनती है और क्रीमी थोड़ी सब्ज़ी में टेस्ट आता है। तो मेरे को ये 2-3 चीज़ें हैं, आप ध्यान रखो तो बहुत सही रहेगा। तो 2 चम्मच में मलाई ऐड कर रही हूँ, घर में जो दूध पे मलाई आती है वही मैंने मलाई ली है यहाँ पे। तो आपके पास 1 चम्मच है तो आप 1 चम्मच ऐड कर दो, और जैसे ही आप इसको ऐड करोगे और थोड़ा मिक्स करोगे तो आप देखो सब्ज़ी में कितना अच्छा कलर आ गया है, चेंज हो गया है कलर। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए रख दें। तो अराउंड 3 मिनट्स बाद हमारा ग्रेवी बनकर तैयार है, बहुत यम्मी लग रहा है देखने में। तो अब हम इसमें अपना कैप्सिकम और कॉर्न ऐड करते हैं। कैप्सिकम को हमने स्टार्टिंग में फ्राई कर लिया था, तो हमारा ऑलमोस्ट पका हुआ है, थोड़ा सा पकाना है। और कॉर्न को भी मैंने बॉयल कर लिया था, तो कॉर्न हमारा कम्प्लीटली पका हुआ है। तो यहाँ पर हमें इसको मिक्स करके ज़्यादा पकाना नहीं है, दोनों को मैंने ऐड कर लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक और गरम मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने नमक स्टार्टिंग में ऐड नहीं किया था। तो 1 चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वादानुसार ऐड कर सकते हैं।
1/4 से थोड़ा सा भी कम, जस्ट चुटकी भर मैं इसमें यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ऊपर से गरम मसाला डालने में अलग ही टेस्ट आता है। तो इसको 3 से 4 मिनट तक और पका लें, क्योंकि अभी हमने ऐड किया है नमक वगैरह तो, और उसके बाद आपकी सब्ज़ी रेडी है। इस सब्जी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कॉर्न के साथ बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कैप्सिकम स्टार्टिंग में फ्राई कर लें। और यहाँ पे हमारी सब्जी तैयार है, हम इसको सर्व कर सकते हैं। और काजू डालें आप, मलाई डालें, तो ये 2-3 चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रखें, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। एंड सी इट लुक्स यम्मी, आप उनको टिफिन में भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर माई वीडियो।